नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। मैं एक गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हूं और आज इस वीडियो में एक बहुत ही गंभीर विषय पर आपको जानकारी देने जा रही हूं। जी हां, ये हार्ट से जुड़ी हुई एक बहुत ही कॉमन समस्या है एंड दैट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जिसके बारे में लोगों को जानकारी काफी कम है, जानकारी का अभाव है और कभी कभार सिम्टम्स को पहचानने में अगर कोई गलती हो जाती है तो ये गलती काफी भारी पड़ती है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि हार्ट अटैक के वार्निंग साइंस क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या हमारी बॉडी हमें कुछ ऐसा सिम्टम बताती है कुछ दिनों पहले से ही कि हार्ट अटैक होने वाला है। जी हाँ, हमारी बॉडी एक बहुत ही एडवांस्ड मशीन कह लीजिए है और डेढ़ से दो महीना पहले से ही हमारी बॉडी में वार्निंग साइंस और सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं कि हार्ट एक गंभीर समस्या की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए आपकी बॉडी में ये जो साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं, ये जो परिवर्तन आ रहे हैं, इनको आपको गंभीरता से लेना चाहिए और उसका माकूल इलाज करना चाहिए ताकि ये चीजें समय पर ठीक की जा सके। हार्ट अटैक आने के बाद जो पहला घंटा होता है उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। गोल्डन आवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इस दौरान उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को अगर मेडिकल एड मिल जाती है, समय से अस्पताल पहुंचाया जाता है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलता है तो उस व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हार्ट अटैक होने के दो घंटे बाद तक अगर कोई मदद नहीं मिलती तो 85% तक हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाते हैं और इस कंडीशन को रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि हार्ट के अटैक के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं और किन कारणों की वजह से ये कंडीशन उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम सभी को जानकारी रखनी चाहिए। तो चलिए आज बात कर लेते हैं 6 ऐसे सिम्टम्स के बारे में, साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में जो कि एक इंडिकेशन देते हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम है और इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। पहला सिम्टम दैट इज नोन एज पेन ऑफ द चेस्ट, यानी कि हार्ट का जो दर्द होता है और उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। हार्ट का ये एक टिपिकल पेन होता है, यानी हार्ट का एक विशेष किस्म का दर्द होता है। इसकी विशेषता ये होती है कि ये सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है, एक मुट्ठी के आकार की तरफ होता है और कभी कभी थोड़ा उससे बड़ा, और ये पेन जो होता है ज्यादातर आपकी लेफ्ट आर्म में रेडिएट करता है, यानी कि बाएं बाजू में रेडिएट करता है। ये गले तक भी जा सकता है, आपके बाएं जबड़े तक जा सकता है और पीछे यानी पीठ में भी जा सकता है। कुछ कुछ केसेस में इसका दर्द दाहिनी बाजू में भी जाता है। ये एक टिपिकल एंजाइना का दर्द होता है और इसकी एक और खासियत होती है कि ये एक्सर्शन से, यानी कि सीढ़ी चढ़ने से, तेज चलने से, आपके गुस्से या किसी और इमोशन से ये बढ़ता है। लेकिन अगर आप रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा लेट जाते हैं, अपनी स्पीड को धीमा कर लेते हैं तो ये एंजाइना का दर्द धीमा हो जाता है, यानी आराम मिल जाता है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि जब उन्हें इस प्रकार का दर्द होता है और वो कुछ समय बाद आराम मिल जाता है तो उनको लगता है हम ठीक हो गए और अब किसी भी जांच पड़ताल की या ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये आपके लिए एक वार्निंग साइन होता है कि आप अपने दिल की विशेष देखभाल करना शुरू कर दीजिए और अब आपको सचेत हो जाना चाहिए। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट साइन इज ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस यानी सांस का फूलना। वैसे तो सांस का फूलना कई कंडीशंस में हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई दमा का रोगी है या लंग में इन्फेक्शन है या फिर COPD है तो भी उसको सांस फूलेगी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये सांस फूलना हार्ट की वजह से है या लंग्स की वजह से, यानी फेफड़े की किसी समस्या की वजह से? तो उसका एक बहुत आसान तरीका ये होता है कि जो फेफड़े से जुड़ी हुई समस्या होगी, जहां सांस फूलती है वहां पर बलगम होगा, खांसी आएगी और एक्सरे कराने पर या फिर जांच करवाने पर लंग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम, इन्फेक्शन वगैरह जरूर दिखाई देता है। लेकिन अगर ये सांस फूलना हार्ट की वजह से है, हार्ट की किसी नली में ब्लॉकेज की वजह से है, तो ये एक्सर्शनल होता है। एक्सर्शनल यानी कि अगर व्यक्ति तेज तेज चल रहा है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं या फिर उन्होंने कोई भारी काम कर दिया, तब ये एक्सर्शनल ब्रेथलेसनेस होती है ज्यादातर हार्ट के केसेस में। ये एक और इंडिकेशन होता है कि हमारा हार्ट उतनी एफिशिएंटली जितना ब्लड पंप करना चाहिए वो लंग्स को नहीं कर पा रहा है और कॉम्पेंसेशन करने के लिए हमारी बॉडी तेज तेज सांस लेने लगती है ताकि हार्ट को सही से ऑक्सीजन मिल सके। इसलिए ब्रेथलेसनेस भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है कि इस चीज को सही से चेकअप करा के उसका ट्रीटमेंट किया जाए।
थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट साइन इज पीडल एडिमा. पीडल एडिमा यानी कि पैर के टखने के पास होने वाली सूजन. वैसे तो ये सूजन अन्य कारणों से भी हो सकती है, जैसे लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी या फिर मोटापे की वजह से. लेकिन अगर ये एडिमा के साथ, यानी वहां पे अगर आप 30 सेकंड तक प्रेस करते हैं उस सूजन में, तो वहां पे एक गड्ढा टाइप का बन जाता है. इस सूजन के साथ अगर और भी सिम्टम मिल रहे हैं, जैसे चेस्ट पेन, एंजाइना का सिम्टम मिल रहा है, सांस फूल रही है, तो फिर ये एक स्ट्रांग इंडिकेशन होता है कि ये एडिमा यानी ये सूजन हार्ट की वजह से हो सकती है. आइए बात कर लेते हैं एक चौथे बहुत प्रमुख के कारण की, और वो है हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर. जी हाँ, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है उन्हें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके जब ब्लड प्रेशर उनका अनकंट्रोल्ड रहने लगेगा तो उनके ब्लड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर होगी, क्लॉटिंग होगी, और ये जाके हार्ट की नसों को ब्लॉक कर सकता है और हार्ट के अटैक जैसी कंडीशंस को जन्म दे सकता है. हाई ब्लड शुगर यानी ब्लड शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो ये हार्ट, किडनी, ब्रेन सभी चीजों को अफेक्ट करता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है हार्ट अटैक का. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात कर लेते हैं गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस के बारे में. गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस यानी कि पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में. पेट से जुड़ी हुई समस्याएं अक्सर हार्ट के पेशेंट्स को होती हैं. ये क्या जनरल एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, गैस बनना, उल्टी मिचली आना, चक्कर जैसा महसूस होना. लेकिन आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो दर्द हो रहा है, अगर किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो वो गैस का दर्द है या हार्ट अटैक का दर्द है? ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो मुझे लगता है सभी को जानना चाहिए, कि अगर इस तरीके का कोई दर्द होता है जो कि सीने के मध्य भाग में हो रहा है, साथ ही साथ सीने में जलन हो रही है, और ये जो दर्द हो रहा है ये अगर बाजू में जा रहा है, जबड़े में जा रहा है, गले में जा रहा है, साथ ही साथ घबराहट हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठंडा पसीना आ रहा है, और इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसमें इसको गैस का दर्द मान के बहुत देरी नहीं करनी चाहिए. ज्यादातर केसेस में हार्ट के दर्द को गैस के दर्द से कंफ्यूज कर लिया जाता है, यानी उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज का दर्द है, और इसी में महत्वपूर्ण समय यानी गोल्डन आवर वेस्ट हो जाता है. इसलिए ये ग्रुप ऑफ सिम्टम अगर कहीं दिखाई दे रहा है जिसमें चेस्ट पेन है, पीडल एडिमा है, ब्लड प्रेशर या शुगर का इतिहास है, और ब्रेथलेसनेस है, सांस फूल रही है, ठंडा पसीना आ रहा है, तो ये एक स्ट्रांग इंडिकेशन होता है कि हार्ट अटैक हो रहा है और तुरंत मेडिकल एड मिलनी चाहिए. एक और बहुत सिम्टम जो छूट रहा था वो है जनरलाइज्ड वीकनेस. अगर किसी व्यक्ति को कमजोरी होने लगे, अचानक से बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगे, और उसके पीछे कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कमजोरी क्यों हो रही है, आपका खान पान ठीक है, आप कोई ज्यादा मेहनत वाला कार्य नहीं करते, लेकिन फिर भी बहुत वीकनेस है, तो ये भी कभी कभी हार्ट की बीमारी की तरफ संकेत देता है. और अगर आपके प्रयास करने के बावजूद भी कमजोरी नहीं दूर हो रही है तो एक बार आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए कि आखिर में इस वीकनेस का कारण क्या है. आइए बात कर लेते हैं कि होम्योपैथी में हार्ट से रिलेटेड क्या क्या इलाज है और क्या इसकी दवाइयां होम्योपैथी में है. तो जी हाँ, मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि होम्योपैथ में हार्ट से जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जो कि पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब की जाती हैं, और उनको कुछ अवधि तक चलाने से काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है. जिन लोगों को इस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो अगर होम्योपैथिक डॉक्टर से प्रॉपरली कंसल्ट करके अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर दवा लेते हैं तो उनको बहुत फायदा मिल सकता है, और काफी हद तक वो इस प्रॉब्लम को ठीक भी कर सकते हैं. यहां मैं केवल एक दवा का नाम लेना चाह रही हूं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस के केस में एक दवा का नाम ले रही हूं जो कि एज एन इमरजेंसी भी यूज की जाती है और बहुत सफलतापूर्वक एंजाइना के दर्द में आराम मिलता है. द नेम ऑफ द मेडिसिन इज एमाइल नाइट.